आई एम इन पेन, प्लीज हेल्प। आई एम 37 ईयर्स ओल्ड, 5 नॉर्मल केस ऑफ किड्स, 2 मिसकैरेजेस, यूट्रस नीचे आ गई है। अब जिस पर आपने पोस्ट भी लिखी थी, मुझे हेल्प बताएं प्लीज। आई एम सुपर स्केयर्ड नाउ, नीचे नीचे बहुत वेट फील होता है। टेल मी सोल्यूशन, गायनेकोलॉजिस्ट से हेल्प लूं या किसी सर्जन से? एक्सरसाइज भी बताएं और नेवर डाइट भी सर्जन, बताएं नेवर जो सर्जन। ये गायनी के मसले हैं, दो हल हैं। यूट्रस अगर लूज हो गई हो और बोझ महसूस होता हो, कीगल एक्सरसाइजेस तो मैं पहले बता चुकी हूँ कि आप कीगल एक्सरसाइजेस करें, लेकिन कीगल एक्सरसाइजेस बहुत शुरू में अगर ये हो रहा हो तो तब हेल्प करती हैं। अगर यूट्रस ज्यादा नीचे आ जाए तो एक रिंग आता है, उसको कहते हैं रिंग पेसरी, और वो वजाइना में रख देते हैं उस रिंग को, ठीक है। और वो होल्ड करता है यूट्रस को ऊपर, तो आपको वजन महसूस नहीं होता, और उसके रेगुलर चेकअप्स होते हैं बाय द गायनाकोलॉजिस्ट। आप जाके चेक कराते रहते हैं कि अंदर उस रिंग की वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा। वो रिंग वैसे सॉफ्ट रबर का बना होता है, और उसको जब ऊपर रखते हैं तो वो इस शेप में रखा होता है कि वो यूट्रस को ऊपर कर देता है। दूसरा हल जो परमानेंट हल है वो ये है के जी बांस ही निकलवा दें, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, यूट्रस निकलवाएं, सुख का सांस लें, ना पीरियड आएगा ना बोझ पड़ेगा ना सारा कुछ। तो गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाएं और उनसे ऑप्ट करें कि जी मुझे मेरी वजाइनल हिस्टरेक्टमी कर दें, ठीक है। वजाइना के रास्ते यूट्रस जो लूज हो गए होते हैं उनको हम नीचे से निकालते हैं, वजाइना के रास्ते से निकालते हैं, और उस प्रोसीजर को हम कहते हैं वजाइनल हिस्टरेक्टमी। उसमें ओवरीज हम नहीं निकालते, सिर्फ यूट्रस निकालते हैं, और अगर मसाना भी उसके साथ नीचे आया हो तो उसकी रिपेयर कर देते हैं। तो ये है जी हाल।